सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी की कविता पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। आप हिंदी की कविता सुनोगे? चलो, आपको आज मैं आ की मात्रा पर एक कविता सुनाऊंगी। उस कविता का नाम है बादल छाया। आसमान पर बादल आया, गरज गरज कर जल बरसाया। एक बालक आया, हरा हरा सा छाता लाया। छाता लगाकर पाठशाला जा, लाल लाल टमाटर खा। राम इधर आ, अपना नाम बता। तबला बजाकर गाना गा, मन भावन सावन आया, कितना मजा आया। बच्चों, मुझे तो आ की मात्रा वाली कविता सुनने में बहुत मजा आया। तुम्हें मजा आया? बच्चों, पहले हमने आ की मात्रा वाली कविता की है, अब मैं आपको बताऊंगी आ की मात्रा कैसे होती है। आ की मात्रा एक स्टैंडिंग लाइन की तरह दिखती है, जो लाल रंग से बनी हुई है वो आ की मात्रा है। आ की मात्रा जिस व्यंजन पर लग जाती है उसकी ध्वनि आ के साथ जुड़ जाती है। जैसे क आ का, क आ का। आ की मात्रा व्यंजन के हमेशा बाद में लगती है। जैसे ल आ ला, म आ मा। आपको आ की मात्रा वाली कविता अच्छी लगी? बच्चों, पहले हमने आ की मात्रा पर एक कविता की है, उसके बाद मैंने आपको आ की मात्रा कैसे होती है और कैसे लगती है उसके बारे में बताया है। अब मैं आपको अपनी किताब पढ़कर दिखाऊंगी। इस किताब का नाम है स्वर ज्ञान। इस किताब में आ की मात्रा का ज्ञान दिया हुआ है। पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पर आ की मात्रा कैसे लगती है इसका अभ्यास करेंगे। जैसे ये कौन सा व्यंजन है? क। क पर कौन सी मात्रा लगी है? आ की। तो क्या बन गया ये? क, क आ का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब व्यंजन पर आ की मात्रा लग जाती है तो व्यंजन की आवाज़ आ के साथ जुड़ जाती है, और आ की मात्रा कोई भी मात्रा व्यंजन के बाद में लगती है। अब ये कौन सा व्यंजन है? द। द के बाद किसकी मात्रा है? आ की। तो क्या बन गया ये? द आ द। ये कौन सा व्यंजन है? ज। अब हम इसमें आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या बन गया ये? ज आ जा। ये कौन सा व्यंजन है? त। त पर जब हम आ की मात्रा लगा देंगे तो इसमें आ की आवाज़ भी जुड़ जाएगी, तो कैसे बोलेंगे इसको? त आ ता। ग। ये कौन सा व्यंजन है? ग। अभी इस पे कोई मात्रा नहीं है, जब हम इस पर आ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा ये? ग आ गा। ग आ गा। ये कौन सा व्यंजन है? आप प। प। इस पे कोई मात्रा नहीं है, अब हम इस पर आ की मात्रा लगा देते हैं तो क्या बन जाता है ये? प आ पा। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब हम व्यंजन पर आ की मात्रा लगा देते हैं तो उस व्यंजन की ध्वनि आ की मात्रा के साथ जुड़ जाती है। जैसे प, प आ पा, प आ पा।